हेलो स्टूडेंट्स, आपका एलडी एटीटोन का लेसन चल रहा है जिसमें आज अपन एलडी एटीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस को तीन प्रकार से पढ़ना चाहिए, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन तो ऐसी होंगी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिसमें एल्डिहाइड भी बन जाता है कीटोन भी बन जाता है। उसके बाद बी टाइप में अपन ऐसा पढ़ेंगे जिसमें केवल अपने को एल्डिहाइड ही मिलता है, इन रिएक्शंस में कीटोन नहीं बनता है। और लास्ट अपन ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें केवल कीटोन बन सकता है, उनमें एल्डिहाइड नहीं बनता है। इसलिए तीन टाइप के रिएक्शंस अपन यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं। उनमें से फर्स्ट नंबर है ऐसे रिएक्शंस जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, ए रिएक्शंस इन विच बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्स। उनमें से फर्स्ट नंबर रिएक्शन में स्टार्ट कर रहा हूं, बी हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन जब अपन करते हैं तो अपने को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलते हैं। इसके लिए मैंने देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल लिया है CH3CH2OH। इस 1 डिग्री अल्कोहल पर जब अपन 573 केल्विन टेम्परेचर में कॉपर की प्रेजेंस से डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन H2 के रूप में लिबरेट हो जाता है, बाहर निकलता है। तब जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा CH3CHO, बोलिए एल्डिहाइड। इसी टाइप से मान लो मैं ये सेकेंडरी अल्कोहल ले रहा हूं, इस सेकेंडरी अल्कोहल पर भी हम डिहाइड्रोजिनेशन स्टार्ट करें, 573 केल्विन टेम्परेचर है कॉपर की प्रेजेंस में, तब फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, ये एच और एच H2 के रूप में अपन माइनस करते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है CH3CO CH3। इसको अपन बोलते हैं एसीटोन, यानी कीटोन बना है। तो प्राइमरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन करने पर एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन करने पर कीटोन बनता है। याद रखना, आपने पहले से पढ़ रखा है 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन संभव नहीं है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन एल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कीटोन देता है। मैंने एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सेकेंड नंबर रिएक्शन स्टार्ट की है। सेकेंड नंबर है अपना फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल का जब अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तब सबसे पहले आपको यह याद रखना चाहिए कि हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लेना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप पढ़ते हो जैसे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट काम में ले, या फिर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ये काम में ले, या फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ये काम में ले सकते हैं। क्रोमियम में एनहाइड्राइड भी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, इसको भी काम में लिया जा सकता है। जब अपन इनकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हैं तो देखना, ये मेरे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल। इस अल्कोहल का मैं इनमें से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाऊं तो ये वाला ऑक्सीजन एक्टिव हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से H2O के रूप में माइनस हो जाता है। अल्फा कार्बन का H और फंक्शनल ग्रुप का H2 और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का O माइनस होने पर अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड आ गया।
ऐसे ही अपन ये रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो 2 डिग्री अल्कोहल से, 2 डिग्री अल्कोहल पर भी हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहे हैं इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, से कोई भी ले सकते हैं आप। तब ये H और H H2O माइनस करेंगे तो जो प्रोडक्ट अपने पास आएगा एसीटोन बन रहा है, ये कीटोन प्रोडक्ट आ गया अपने पास। तो बोलिए प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देता है और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कीटोन देता है। आपको यहां पर यह भी लग रखना है, एक अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम में लीजिए पीसीसी। पीसीसी को यहां पर बोलिए पीरीडीन क्रोमियम क्लोराइड। ये जो पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसी को आप ये नेम भी लग रखा करें, सारेट्स कोलिंग्स रिएजेंट। सारेट्स कोलिंग रिएजेंट या पीसीसी पीरीडीन क्रोमियम क्लोराइड की प्रेजेंस जब होती है तो वो एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, इसकी प्रेजेंस में भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ये मेरे पास में एल्कोहल है, लेकिन इनकी प्रेजेंस अपने को तब ज्यादा काम में लेनी चाहिए जब कोई एरोमेटिक एल्कोहल इस टाइप से आ रहे हैं, सॉरी साइक्लो एल्कोहल आ रहे हैं। ये मेरे पास में देखिए एल्कोहल है 6 कार्बन हेक्सेन साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल का मैं अब पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो ये H और ये H इस ऑक्सीजन के साथ में बाहर निकलेगा तो बोलिए माइनस H2O हो गया, और माइनस H2O होने पर जो प्रोडक्ट अपने पास बना वो ओन आ जाएगा, कीटोन बन गया साइक्लोहेक्सेनोल। चलिए इसी टाइप से मैं कोई दूसरी रिएक्शन समझाऊं, ये मेरे पास में देखिए साइक्लोहेक्सेन और अब है साइक्लोहेक्सीन, उसमें वो डबल बॉन्ड जो है वो आप देखिए सेकंड कार्बन पर है, OH फर्स्ट कार्बन पे हो गया 1 2, तो फिर कंप्लीट पूरा नेम क्या बन गया साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol। इसका मैं पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं तो आपको लिए फंक्शनल ग्रुप का H और अल्फा कार्बन का H, H2 जो है वो इस पीसीसी के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वाटर के रूप में माइनस हो गया, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा आ गया। देखिए डबल बॉन्ड एज इट इज है और यहां पे मैंने डबल बॉन्ड O कर दिया तो ओन, पहले ओल था अब बनेंगे ओल, तो बोलिए साइक्लोहेक्स 2-in-1-ol। ये आपके पास में ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो अपने पास में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉमन है और ये स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अपन साइक्लोहेक्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हेप्ट के प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑक्सीडेशन की ही अभी रिएक्शन चल रही है बट मैंने अभी थोड़ा चेंज कर दिया है, ये ऑक्सीडेशन की बी रिएक्शन ओपन योर ऑक्सीडेशन। इसका भी मीनिंग सुनिए, जब अपने कोई भी 2 डिग्री एल्कोहल काम में ले रहे हैं, देखो जैसे ये 2 डिग्री एल्कोहल है अपने पास, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन अपन कीटोन के साथ करवा रहे हैं, देखो ये अपने पास में कीटोन है, तो इसके लिए आपने अगर एल्यूमिनियम टेरसरी ब्यूटोक्साइड की प्रेजेंस ली है तो 2 डिग्री एल्कोहल के अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, जो सेकेंड टाइम कीटोन जो ले रखा है उनके अल्फा कार्बन पर और ऑक्सीजन पर रिडक्शन कर देता है, तो यहां कीटोन का तो देखिए अभी रिडक्शन हो जाएगा, कीटोन का रिडक्शन होते ही ये देखिए RRCHOH ये तो एल्कोहल बन जाएगा और इससे 2 डिग्री एल्कोहल से ये H दोनों घट जाएंगे इसलिए ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तब अपन ने जो प्रोडक्ट बनाया वो CH3 CH3 C पे डबल बॉन्ड O, अपने पास एसीटोन प्रोडक्ट बनता है। ये नेम
ऑक्साइड की प्रेजेंस में ही ओपेनली और ऑक्सीडेशन होता है। ये एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सेकंड नंबर रिएक्शन तक अपन ने पढ़ा है, मैं थर्ड नंबर रिएक्शन आपको बता दूं, नंबर 3 बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मीनिंग देखिए क्या है। ये सपोज अपने पास कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने ये एच हटा दिया तो एसीटेट बन गया है, और उस एच की जगह पे मैंने ये कैल्शियम लगा दिया तो आप देखिए कैल्शियम एसीटेट बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कैल्शियम सॉल्ट बोला जाएगा। जैसे मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था HCOOH और अब मैंने ये हाइड्रोजन हटा दिया एसिड का और उसकी जगह पे कैल्शियम ले लिया, तो ये फॉर्मिक एसिड से था इसलिए कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। तो आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब आपको डिपेंड करता है किस टाइप का कैल्शियम सॉल्ट ले रहे हैं जिससे कि प्रोडक्ट क्या बने। मैंने रिएक्शन स्टार्ट कर दी है, सपोज अपने पास में HCOOCa ये है देखिए फॉर्मेट। तो आप जब कभी भी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं इसका मतलब है आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, डायरेक्ट उसको हीट करना शुरू करेंगे, तब -CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट माइनस होता है, और जैसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट माइनस करेंगे CaCO3, तब जो शेष प्रोडक्ट अपने पास बच गया वो HCHO बोलिए फॉर्मल्डिहाइड है। आपको अगर मान लीजिए इसमें एसिटिल्डिहाइड बनाना होता तब अपन ये रिएक्शन कैसे करते। ये मेरे पास में एसिटिल्डिहाइड बनाने के लिए CH3COOCaOCH3C(OO) ये अपने पास कैल्शियम एसिटेट है, और कैल्शियम एसिटेट पर मैं एक कैल्शियम फॉर्मेट ले रहा हूं, ये कैल्शियम फॉर्मेट है। तो जब कैल्शियम के दो सॉल्ट होते हैं तब माइनस जब करेंगे तो CaCO3 के 2 मोल्स कर देंगे। यहां पर आप देखिए CaCO3 आ रहा है और यहां पे देखिए CaCO3 आ रहा है, तब प्रोडक्ट बच गया HCHO और यहां पे प्रोडक्ट आ गया CH3COCH3। इट मींस कीटोन और फॉर्मल्डिहाइड दोनों बन रहे हैं। तो आपको एक कैल्शियम सॉल्ट से भी रिएक्शन करवा लेनी है और दो कैल्शियम सॉल्ट से भी रिएक्शन करवा लेनी है। ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन सभी रिएक्शंस में कैल्शियम कार्बोनेट माइनस होगा। नंबर 4th नंबर रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं बाय उजुनोलिसिस ऑफ एल्कीन। आप कोई भी एल्कीन लीजिए उसका जब उजुनोलिसिस करेंगे तब आपको प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन मिलना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले सपोज मैंने ये एल्कीन ले ली है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब कभी भी आप एल्कीन पर ओजोनोलिसिस करते हैं तो बोलिए +O3, ये ओजोन से रिएक्शन, और जैसे ही आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड है वो कंप्लीटली हट जाएगा। ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड हटा दीजिए और उन तीनों दोनों को ऑक्सीजन से जोड़िए, तीन ऑक्सीजन 1 ये देखिए 2 और ये 3। जब इस टाइप का कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोला जाता है ओजोनोलाइट्स। ओजोनोलाइट किसका है बोलिए इथीन का है, तो कंप्लीट नाम दीजिए बोलिए इथीन ओजोनोलाइट्स। इथीन ओजोनोलाइट को आप वाई शेप में ऐसे ये वाई शेप में ऐसे ब्रेक कर दीजिए जिसमें एक डिसेंट ऑक्सीजन आपको अलग होता हुआ दिख रहा है। ये जो निसेंट ऑक्सीजन है वो ZNO के रूप में बाहर निकल जाएगा, जिंक के प्रेजेंस में जब अपन ने इसको हीट किया तो ZNO माइनस हो गया। तो आप चेक करिए आपके पास में क्या क्या प्रोडक्ट बचा है, CH2O एंड CH2O, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बन गए। मान लो कि मेरे पास में यही एल्कीन है और उसका ओजोनोलिसिस अपने को करना है, तब मैंने यहां CH2 डबल बॉन्ड CH की जगह पे CH3 ले लिया,
तो फिर एक कार्बन इंक्रीज हो गया है, और मान लीजिए मैंने ये एच हटा करके एक और लगा दिया है, तो अपन क्या बोलेंगे, देखो ना ये ब्यूटीन है, 1 2 3 4 2 ब्यूटीन है, इसका ओजोनोलिसिस करना है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बताते जाऊं कि आप उस डबल बॉन्ड को हटा दें और उस पर ये ऑक्सीजन ऐड कर दें, और एक ऑक्सीजन आपने जो दोनों को कंबाइन जोड़ा है ना, उसके कारण इसका नेम बन गया ओजोनोलाइट, और उस ओजोनोलाइट को ऐसे वाई शेप में आपने जैसे ब्रेक किया ऐसे, तो वो जो एक ऑक्सीजन आपको देख रहा है ना, वो जेड एन ओ के रूप में आप माइनस कर दीजिए, तब जो प्रोडक्ट बचा हुआ वो देखो CH3CH और CH3CH, एसिड ग्रेडिएंट के दो मॉलिक्यूल आपको यहां पर मिल जाएंगे CH3CH। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको ये वाली एल्कीन काम में ली है, पहले तो आप इस एल्कीन को पढ़िए, बोलिए 1 2 3 4, फोर कार्बन आप देख रहे हैं, और इन फोर कार्बन में सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो बोलिए 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन में 2 और 3 पर 2 मिथाइल है, तो बोलो 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, ये अपने पास में रिएक्टेंट है, इसका अपने को ओजोनोलिसिस करना है। तो ओजोनोलिसिस जब अपन करते हैं तो डबल बॉन्ड कंप्लीटली हटा दीजिए, और देखिए ये एक ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन, बोलिए ओजोनोलाइट। ओजोनोलाइट बनते आप उसको वाई शेप में ऐसे ब्रेक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट बना हुआ दिख जाएगा, देखिए क्या प्रोडक्ट आ रहा है, CH3CH3 C डबल बॉन्ड, बोलिए आपको जो प्रोडक्ट मिला वो ये दो मॉलिक्यूल एसिड होंगे आ रहे हैं, और माइनस क्या कर देंगे ZnO, जिंक ऑक्साइड, माइनस होते ही आपको ओजोन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये नंबर 4 रिएक्शन की, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं रिएक्शंस में। नंबर 5, फिफ्थ नंबर रिएक्शन, मैंने हेडिंग बनाई है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन आइन, वाई एन ई, एल्काइन का हाइड्रेशन अपन करेंगे, तो आपको सबको पता है कौन से रूल से आती है ये, एंटी रूल, मर्कनिकोफ रूल से हमें हाइड्रेशन करते हैं। एल्काइन लिखिए CH, ट्रिपल बॉन्ड CH का अपन देखो ये एल्काइन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो H प्लस और OH माइनस अभी तो इक्वल है ना, इसलिए आप कोई भी जोड़ सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस पर क्या लगा दूं OH, ये अपने पास में एक एल्काइन का हाइड्रोलिसिस हो गया है। सपोज मैं इस पर दोबारा से HOH हाइड्रेशन करूं, या फिर इसका रीअरेंजमेंट करूं, एक ही बात होती है, दोनों में से कोई भी करिए, तब अपने पास पहले बनेगा CH3, CH पर एक OH और आ गया, और आप इसको बोल दीजिए ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो फिर स्टेबल कैसे होगा, बोलिए -H2O करने से, ये -H2O करेंगे तब अपने पास प्रोडक्ट आ गया CH3CHO, बोलिए एसीटेल्डिहाइड। इस रिएक्शन से फॉर्मल्डिहाइड बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक कार्बन, और एल्काइन ले रहे तो मिनिमम कितने कार्बन हो गए 2, इसलिए इस रिएक्शन से कौन सा एल्डिहाइड बनना स्टार्ट होगा, एसीटेल्डिहाइड से 2 कार्बन डाइहाइड्रेट। अब यदि आपने इसके अलावा कोई भी प्रकार का एल्काइन ले लिया है, जैसे ये प्रोपाइन ले लिया है, पहले मैंने एथाइन लिया था, अब प्रोपाइन का मैं हाइड्रेशन करवा दूं H प्लस और OH माइनस, तो देखिए मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग H वहां जुड़ेगा जहां H ज्यादा है, इसलिए फर्स्ट प्रोडक्ट इसका बना CH3, C पे OH डबल बॉन्ड CH2, ये इन के साथ ओल है, OH इनोल बना हुआ है, या तो इसमें रीअरेंजमेंट करके कीटोन बना दीजिए, या फिर इसका एक दूसरा प्रोसीजर होता है कि आप हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो कंटिन्यू हाइड्रेशन करवाते जाइए, ये H तो यहां जाएगा और OH इस कार्बन पे आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक ही कार्बन पर दो OH आने से वो अनस्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है। ये स्टेबल कब होगा, जब इसमें से -H2O कर देंगे, तब आपके पास में प्रोडक्ट कीटोन आ गया।
तो यहां इस रिएक्शन में अपन क्या देख रहे हैं कि जब आप फर्स्ट एल्काइन ये लेते हैं तब तो बनती है एसीटेल्डिहाइड, एक ही एल्डिहाइड बन सकता है इस रिएक्शन में एसीटेल्डिहाइड। इस एल्काइन के अलावा अगर आपने कोई भी टाइप की एल्काइन ली है तो उनके प्रोडक्ट हमेशा कीटोन ही बनते हैं, इस रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड बनना पॉसिबल नहीं है। नंबर सिक्स, ये मैंने सिक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दी है फ्रॉम जीआर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, इसके लिए मैं फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करूं। देखो जीआर प्लस इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट की रिएक्शन जीआर पर करवानी है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम हमेशा ही ऐसा लिखते हैं जिसमें मेटल पर पार्शियल प्लस और कार्बन पर पार्शियल माइनस। इसकी रिएक्शन मैंने ये HCOOC2H5 के साथ करवाई है। तब आप इसकी जो रिएक्शन करवा रहे हैं ये दो टाइप से प्रोडक्ट दे सकती है आपको। एस्टर का ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, ये बोलिए माइनस और ये प्लस। तो देखिए ये प्लस Mg जो है ना ये इस माइनस पर आप जोड़ेंगे ऐसे, और ये C प्लस कार्बन है CH3 पर जोड़ेंगे। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट अपने को मिला वो CH3CH बोलिए एसीटेल्डिहाइड बनता है और हम एल्डिहाइड बनाना चाह रहे हैं। प्लस और क्या बना यहाँ पर Mg पर X तो है और क्या जुड़ गया बोलिए OCOH5, ये प्रोडक्ट आ गया। हमने Gr की रिएक्शन इथाइल फॉर्मेट के साथ करवाई है। अब मैं सेकेंड रिएक्शन ले रहा हूं, देखिए ये Gr की रिएक्शन इथाइल एसीटेट के साथ करवानी है। तो जो आपने फॉर्मेट लिया है फॉर्मिक एसिड वाला जो था उसको एसीटेट लेना है। इथाइल एसीटेट का ये फॉर्मूला देखो CH3COOCOH5। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आगे वो ये बन जाएगा, अब C डबल बॉन्ड O पर ये CH3 कनेक्ट करेंगे जोड़ेंगे तो बोलिए प्रोडक्ट क्या आ गया एसीटोन। तो कहिए कि जीआर की रिएक्शन जब इथाइल एसीटेट के साथ करवाते हैं तब तो प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड, और जीआर की रिएक्शन जब इथाइल एसीटेट के साथ करवाते हैं तब प्रोडक्ट बनता है कीटोन एसीटोन। मैंने नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट की है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और भी अदर रिएक्शन हो सकती हैं, उनमें से ये थर्ड रिएक्शन आ रही है जीआर प्लस एसीटेल्डिहाइड, सॉरी एसीटाइल क्लोराइड। एसीटाइल क्लोराइड के साथ में मैं इसकी रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना रहा हूं, बोलिए CH3 Mg अक्ष, ये प्लस और माइनस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और मैं इसकी रिएक्शन CH3 C पे डबल बॉन्ड O Cl बोलिए एसीटाइल क्लोराइड के साथ करवा रहा हूं। तब जो प्रोडक्ट बना हुआ आपको दिखेगा वो देखिए क्या हुआ CH3 C पे डबल बॉन्ड O CH3, ये तो प्रोडक्ट आ गया एसीटोन। प्लस और क्या बन गया Mg पर अक्ष है और एक Cl हो गया, इसलिए इसका भी प्रोडक्ट हमेशा क्या बन के आता है बोलो कीटोन। मैं नेक्स्ट और रिएक्शन बता रहा हूं आपको, नंबर डी Gr की रिएक्शन एसीटामाइड के साथ, एसीटेमाइड से रिएक्शन करवा रहा हूं, बोलिए R Mg अक्ष, ये प्लस और ये माइनस, और अब एसीटेमाइड ले, ये देखो एसीटेमाइड एमाइड दो कार्बन का एसीटेमाइड ले लिया, तब जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा हुआ, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इसका भी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एसीटोन हुआ प्लस Mg पर X है और ये NH2 आ गया। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट फिर से मैंने कीटोन बॉन्ड कर दिया। ये सभी रिएक्शंस Gr की आ रही हैं, आपने Gr से एल्डिहाइड और कीटोन, Gr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की रिएक्शन पढ़ ली है। नंबर 7, 7 नंबर रिएक्शन आ रही है देखिए बाय कैटालिटिक डीकंपोजिशन
ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का कैटालिटिक डिकम्पोजिशन अपने को यहां पर पढ़ना है। देखिए मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया है HCOOH और ये फिर से लिख दिया एक बार HCOOH। दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हैं। इनको अगर आप मैंगनीज ऑक्साइड MnO की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करें तब एक तो CO2 माइनस होती है और एक H2O माइनस होता है। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड का H हटाते हो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 हटाना है कार्बन डाइऑक्साइड H और ये सेकंड वाले से OH। तो बोलिए H2O और CO2 माइनस करने पर अपने पास जो प्रोडक्ट बचा वो HCOH। बोलिए यहां पर प्रोडक्ट आ रहा है फॉर्मेल्डिहाइड। मैं यही रिएक्शन फिर से करवा रहा हूं। देखिए हेडिंग क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेकर के उसका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन CH3CO H HO CO CH3 एसिटिक एसिड। और ये मैंने मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 523 केल्विन टेम्परेचर पर हीट किया तब ये H और ये OH H2O माइनस करके जिसमें से H हटाया उसी में से CO2 और हटा दीजिए, ये CO2 और निकल गया तब प्रोडक्ट बच गया बोलिए उधर CH3 CH3 यहां प्रोडक्ट आ रहा है कीटोन एसीटोन प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट ये 7 नंबर रिएक्शन, इन सभी रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। ए टाइप की रिएक्शन चल रही है ये नंबर 8th नंबर रिएक्शन अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने में। बेसिक हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स का बेसिक हाइड्रोलिसिस अपन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को यह पता रहना चाहिए कि जेम क्या होता है। जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हों। देखिए ये कार्बन है और इस पर दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन पर दो हेलोजन जोड़ करके वो जेम बन गया है। कितने कार्बन है, 1। तो बोलिए मीथेन डाइक्लोराइड और इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस मींस KOH से रिएक्शन करवा दिया अपन ने ये KOH। तब -2 KCl हो गया, -2 KCl करके अपन प्रोडक्ट बनाएंगे HH COH और OH। बोलिए ये कैसा हो गया है, अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो फिर इसको स्टेबल तब करेंगे जब ये H2O माइनस कर देगा, ये माइनस H2O करने पर प्रोडक्ट बनेगा HCHO। बोलिए HCHO क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड। सपोज करें कि मैंने ये जो जेम लिया है इसमें कोई चेंज है, ये CH3CHCLCL है तो यहां पे मैं CH3 कर दूंगा और ये जैसे ही CH3 बनेगा तो CH3CHO प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए एसिटाइल आएगा। और सपोज करें कि आपने ये जो जेम लिया वो ऐसा है, देखो जिसमें CH3CH3 दोनों है तो 1 2 3 2 डाइक्लोरोप्रोपेन है तो यहां पर भी मैं CH3 जोड़ दूंगा तब यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो एसीटोन प्रोडक्ट होगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जब जेम डाइहैलाइड का बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड एसीटाइल और एसीटोन तीनों ही प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर 9 नेक्स्ट रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है, ये नेम रिएक्शन भी है, नेफ रिएक्शन। नेफ रिएक्शन को अपन ने ब्रैकेट में ऐसे लिख रहे हैं फ्रॉम ए नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की रिएक्शन को नेफ रिएक्शन बोलते हैं। मैं नाइट्रो एल्केन नोट करूं, देखना CH3CH2NO ये नाइट्रो एल्केन है। इस नाइट्रो एल्केन पर सबसे पहले आपको NaOH की रिएक्शन करवानी है। जैसे ही आप NaOH की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे इस पर तो आप -H2O करिए, पहले -H2O करना कैसे है,
कि अल्फा कार्बन का एच जो है वो NaOH के OH के साथ माइनस कर दीजिए, एच प्लस OH माइनस H2O माइनस करने पर उस अल्फा कार्बन पर अब सोडियम जुड़ जाएगा, इसलिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, CH3CHNaNO, सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो एल्केन बन गया अपने पास में। ये भी आप इसका आगे चल करके हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस करवाते ही आपको यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन। ये देखिए मैंने यहां पर ये हाइड्रोलिसिस स्टार्ट कर दिया तो जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो यहां डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा और इधर हम लिखेंगे H2, तो ये NaNO2 माइनस कर दीजिए या डीकंपोजिशन करेंगे तब जो प्रोडक्ट आ गया CH3CH डबल बॉन्ड ओ, ये तो है एल्डिहाइड प्लस इधर जो प्रोडक्ट आ रहा है अपने पास में ये NaNO2 प्लस H2 जो आ रहा है वो डीकंपोजिशन का प्रोडक्ट होता है। नाइट्रो एल्केन के NaOH की रिएक्शन अगर मैं दूसरे नाइट्रो एल्केन को ऐसा सेट कर दूं जिस पे देखो ये CH3 दिख रहा है तब हमें यहां पर भी CH3 लगाएंगे, तब हम यहां पर भी CH3 लगाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अब क्या बन जाएगा, कीटोन होगा। इस रिएक्शन में आपको बस इतना ही याद रखना है कि जब कभी भी आप नाइट्रो एल्केन लेते हो तो उसमें अल्फा कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाइए और NaOH से आप OH हटाइए, H2O माइनस करिए और उस अल्फा कार्बन पर H की जगह पे Na लगा दीजिए। सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रो एल्केन का डीकंपोजिशन करने पर एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है। ये 9 नंबर रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर 10, आपको ऑक्सीडेशन करवाना है ऑफ ग्लाइकोल। ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन करवाने पर फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिलडिहाइड और एसीटोन तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं और ऑक्सीडेशन करवाना किसकी प्रेजेंस में, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपने पहले पढ़ा है जैसे KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, CrO3, ऐसे आप इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस लीजिए। ये देखिए मेरे पास में ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल CH2 CH2 OH OH, इसको अपन बोलते हैं इथेन, 1,2-diol, इसका मैं ये ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं। तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो देखना ये H और ये H माइनस H2, ये ऑक्सीजन आ गया और ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाएगा, तब जो प्रोडक्ट बचा वो देखो CH2O एंड CH2O, ये टू मॉलिक्यूल्स बच गए हैं CH2O, फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्ट आ गया है। मान लेते हैं कि मैंने ग्लाइकोल चेंज कर दिया है, अब आप देखना ये ग्लाइकोल मैंने चेंज किया है, यहां पे लिख रहा हूं मैं CH3CH और यहां पे लिख रहा हूं CH3CH, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, ये देखिए 1,2,3,4 ब्यूटेन है, इथेन को हटा देता हूं और अब लिखता हूं ब्यूटेन 2,3-diol, 2 और 3 पे डाइपोल है। तो जो प्रोडक्ट बचेगा अपने पास, जो प्रोडक्ट आएगा देखिए H2O माइनस हो गया ना, तो CH3CHO एंड CH3CHO टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटैल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने ग्लाइकोल चेंज कर दिया, ये ग्लाइकोल जो है वे ये H हटा करके CH3 और ये H हटा करके CH3, तो जो फुल नेम है इसका वो होगा 2,3-dimethyl ब्यूटेन 2,3-diol, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तब जो यहां प्रोडक्ट बचेगा वो हो गया CH3, C पे CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन के टू मॉलिक्यूल्स। ये आपने सभी रिएक्शंस ऐसी पढ़ी हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। मैं बी पॉइंट में चलता हूं, ये ए पॉइंट था, अब वो रिएक्शंस स्टार्ट हो रही हैं जिनमें
केवल एल्डिहाइड बनता है। ये देखिए बी हेडिंग प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ओनली एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने वाली रिएक्शंस हैं, उनमें से फर्स्ट नंबर रिएक्शन एक नेम रिएक्शन होती है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इसी को अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल का जब अपन रिडक्शन करते हैं तो देखिए ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड है, इसका हम SN प्लस HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिडक्शन जब होगा तब पहले स्लो रिडक्शन हो रहा है, आप इसमें एक कार्बन पर और एक नाइट्रोजन पर H जोड़ देंगे तो जो प्रोडक्ट बचा वो देखिए RCH डबल बॉन्ड NH, जिसका आगे चलकर भी यदि आप HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करते ही देखिए O और H2, तो यहां प्रोडक्ट आ गया RCHO, RCHO ये तो एल्डिहाइड, और उधर अपने पास शेष बच गया NH3 4 NH4Cl, बोलिए अमोनियम क्लोराइड, तो इस टाइप से ये एल्डिहाइड बनना स्टीफन है, मतलब बोलिए एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन SN plus HCl के प्रेजेंस में करवा करके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे HCl के प्रेजेंस में, ये HCl जो होता है ये NH4Cl- के रूप में हो जाता है। स्टीफन रिडक्शन के बाद इन रिएक्शंस में केवल एल्डिहाइड बनता है, यहां पे कीटोन की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। नंबर 2 इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो है रिडक्शन ऑफ एल्केन ऑयल क्लोराइड, जिसको एक बाई नेम रिएक्शन बोलते हैं, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोली जाती है रोजेनबॉन्ड्स रिडक्शन। रोजेनबॉन्ड्स रिडक्शन क्या होता है उसको पढ़ते हैं, इसके लिए आपको एल्केन ऑयल हैलाइड रिएक्टेंट लेना है और इसका रिडक्शन हमें पीडी की प्रेजेंस में करवाना है। पीडी की प्रेजेंस में जब ये रिडक्शन करवाते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिल जाता है RCOH। आपको याद रखना है कि यदि हम इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते जाएंगे तो हो सकता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होने पर आगे प्रोडक्ट एल्कोहल और बन जाए, यदि कंटिन्यूअस रिडक्शन होगा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि हमें यहां पर एल्कोहल नहीं बनाना, ये रिएक्शन एल्डिहाइड बनते ही रुक जाए इसके लिए हम यहां पर एक पॉइजनस रिएक्टेंट काम में लेते हैं BaSO4। बेरियम सल्फेट क्या करता है इस रिएक्शन में एल्डिहाइड बनते ही रिएक्शन को रोकता है, पीडी क्या करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये एल्केन ऑयल क्लोराइड का रिडक्शन करने के लिए काम होता है, और इन दोनों कैटलिस्ट को हमें जाइलीन में मिक्स करके रखते हैं। बोलिए ये रिएक्शन किसमें होती है जाइलीन में, किसकी प्रेजेंस में पीडी, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है जो एल्केन ऑयल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, और यहां जो प्रोडक्ट एल्डिहाइड बन गया उसका आगे चल करके फिर से रिडक्शन नहीं हो जाए इसके लिए बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस जरूरी होती है। रोजेनबॉन्ड रिएक्शन से हमारे पास में ये एल्डिहाइड बन जाता है। ये रिएक्शंस जो थी अपनी केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन वाली थी, अब अपन नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, सी हेडिंग आ रही है ओनली कीटोन बनाने की रिएक्शंस। कीटोन बनाने के लिए हमें एक रिएक्शन तैयार करनी है, यहां पर हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर, एसीटो एसिटिक एस्टर का जब अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अपने को कीटोन प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड नहीं बनता है, ये मैं नोट कर रहा हूं एसीटो एसिटिक एस्टर CH3CO CH2 सी पे डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, ये एसीटो एसिटिक एस्टर है। इसका जब अब मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाता हूं
देखिए ये बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाया मैंने, तो यहां ये एच ओ के ओ एच, तो यहां प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5OH। इसका मैं सेकेंड हाइड्रोलिसिस और करवाया, एक मॉलिक्यूल और ले लिया, देखिए एच ओ के ओ एच, तो के ओ एच के दो मॉलिक्यूल इसलिए लिए हैं जिसे के टू सी ओ थ्री माइनस कर दें। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखो एक तो के टू सी ओ थ्री प्लस सी टू एच फाइव ओ एच, और मेन प्रोडक्ट आपके पास बच गया सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री एसीटोन। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड नहीं बनता, केवल कीटोन बनाने की रिएक्शन है। आज के क्लास में आपने एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।